ये देखिए हमने बनाया है एक टेस्टी और अमेजिंग चिवड़ा। इस तरह के चिवड़े को मैंने किस तरह से बनाया है आइए देखते हैं। और इस चिवड़े को बनाने के लिए मैंने जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है आइए आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ली है 50 ग्राम बादाम, साथ ही यहाँ पर मैंने ली है 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम ही मैंने ली है किशमिश और 50 ग्राम हमने लिए हैं तरबूज के बीज। यहाँ पर हम 250 ग्राम सेव का यूज़ करेंगे। ये नॉर्मल नमकीन सेव है जिसका वीडियो मैंने आपको पहले ही दिया है। यहाँ पर मैंने ली है 200 ग्राम सिंगदाने, इन्हें हम फ्राई करके हमारे चिवड़े में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ली है 100 ग्राम बूंदी और 100 ग्राम ही मैंने ली है हरी वाली बूंदी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 200 ग्राम कच्चे पोहे, इन्हें हम अभी फ्राई करेंगे और हमारे चिवड़े में यूज़ करेंगे। साथ ही 200 ग्राम मैंने ली है मसूर, जो आखी मसूर होती है वही है ये। ये देखिए इस तरह से इन्हें मैंने भिगा दिया था 8 घंटे के लिए और कपड़े पर फैलाकर 1 घंटे के लिए अच्छे से सुखा दिया है। तो ये मसूर हमारी यहाँ पर तैयार है फ्राई होने के लिए। यहाँ पर इन 9 चीज़ों की हेल्प से हम इस चिवड़े को बनाएंगे, इसीलिए इस चिवड़े को कहते हैं नवरत्न चिवड़ा। तो बादाम फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 4 चम्मच देसी घी। बादाम को हम देसी घी में ही फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमें बादाम को फ्राई करना है एकदम स्लो गैस में, इससे हमारी बादाम बढ़िया सी क्रंची हो जाएगी। लगभग 1 से 1.5 मिनट में हमारी बादाम बढ़िया सी फ्राई हो गई है, इनका कलर भी चेंज हो गया है। आइए हम बादाम को निकाल लेते हैं। बादाम निकालने के बाद हम फ्राई कर लेते हैं काजू। काजू को भी इसी तरह से हमें स्लो गैस पर ही फ्राई करना है। यहाँ पर हमारे काजू का कलर भी चेंज हो गया है, इन्हें हमें इतना ही फ्राई करना है। आइए काजू को भी निकाल लेते हैं। काजू निकालने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारी किशमिश। किशमिश को भी हमें इसी तरह से फ्राई करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारी किशमिश भी बढ़िया सी फूल गई है, बस इसे हमें इतना ही फ्राई करना है। आइए किशमिश को भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम सबसे पहले फ्राई करेंगे हमारी मसूर की दाल। मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा क्रिस्पी हो जाने तक हम इस दाल को इसी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए लगभग 2 से 3 मिनट में ही हमारी दाल बढ़िया सी फ्राई हो गई है, किस तरह से तैर कर ऊपर आ गई है, यही इसका इंडिकेशन है कि हमारी दाल अच्छे से फ्राई हो गई है। ये देखिए हमारा तेल यहाँ पर गर्म हो गया है, सेम तेल में ही हम यहाँ पर सिंगदाने को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए लगभग 1.5 से 2 मिनट में हमारे सिंगदाने भी फ्राई हो गए हैं, तो आइए सिंगदाने को भी निकाल लेते हैं। पोहे फ्राई करने के लिए हमारा तेल अच्छा सा गर्म हो गया है, इसमें ऐड कर देते हैं हम हमारे पोहे। ये देखिए पोहे एकदम से ऊपर आ जाते हैं और झट से फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए कुछ सेकेंड्स में ही हमारे पोहे फ्राई हो गए हैं, आइए इन्हें निकाल लेते हैं। हमारी सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है, आइए सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं और तैयार कर लेते हैं हमारा टेस्टी सा चिवड़ा। इसके लिए सबसे पहले लेते हैं हमारे फ्राइड पोहे। यहाँ पर ले लेते हैं हमने जो मसूर की दाल को फ्राई किया है उसे, साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं हमारी नमकीन सेव। यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं सिंगदाने, हमारी येलो वाली बूंदी, हमारी ग्रीन बूंदी, किशमिश डालते हैं, साथ ही डाल देते हैं बादाम। यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें काजू और ऐड कर देते हैं इसमें ड्राई रोस्ट किए हुए तरबूज के बीज। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा चिवड़ा कलरफुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए सभी इंग्रेडिएंट्स को हम बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं। अब इस नवरत्न चिवड़े की एक सबसे स्पेशल चीज़ हम तैयार करेंगे, वो इसका स्पेशल मसाला। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले। 2 चम्मच मैंने ली है काली मिर्च और 1 इंच मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा। ये मैंने ली है 1 चम्मच सौंफ, 8 से 10 हम लेंगे लौंग, 1 छोटा टुकड़ा लिया है मैंने जायफल का और थोड़ी सी ली है जावंत्री, साथ ही 3 इलायची ली है। इन सभी को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। इलायची के छिलके निकालकर इसे हम इसमें डालकर पीस लेते हैं। यहाँ पर सभी मसालों को हमें अच्छी तरह से पीस लेना है।
ये देखिए इस तरह से सभी खड़े मसालों को मैंने पीस लिया है और अच्छे से बारीक छन्नी में छान लिया है। यहाँ पर तैयार करेंगे हम मसाला। इसके लिए सब खड़े मसाले को जिन्हें हमने पीस लिया है उन्हें एक मिक्सिंग बाउल में मिक्स करते हैं। साथ ही यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच नमक। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच काला नमक। 1 चम्मच ही मैंने लिया है भुने हुए जीरे का पाउडर। मैंने 1 चम्मच ली है लाल मिर्च। साथ ही हमारे मसालों को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 छोटी चम्मच लिया है शक्कर का पाउडर। सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सभी मसालों को मिक्स कर लिया है और हमारा बढ़िया सा स्पेशल मसाला बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमारे चिवड़े में मिक्स कर देते हैं हमारा मसाला। इस मसाले से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है हमारे चिवड़े में। अच्छी तरह से मसाले को हम चिवड़े में मिक्स कर देते हैं। इस मसाले में हमने जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है वो बहुत एरोमेटिक है, उससे हमारा चिवड़ा बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होगा। यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं हमारे चिवड़े का वघार। उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल। इसमें ऐड कर देते हैं 10 से 12 करी पत्ते। यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इसे हमारे करी पत्ते में मिक्स करेंगे। इस वघार को ऐड कर देते हैं हमारे चिवड़े में। यहाँ पर करी पत्ते की बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है, इसे ऐड कर देते हैं हम हमारे चिवड़े में और बहुत बढ़िया से इसे मिक्स कर देंगे। नवरत्न चिवड़ा जैसा इसका नाम स्पेशल है वैसा ही इसका टेस्ट भी स्पेशल है। एक अमेजिंग टेस्ट वाला यहाँ पर हमने चिवड़ा बनाकर तैयार किया है जो खाने में बहुत टेस्टी है। देखिए हमारा चिवड़ा कितना बढ़िया बना है। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है हमारे चिवड़े का। और इसमें हमने जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है और जिन स्पेशल मसालों का यूज़ किया है वो हमारे इस चिवड़े को देते हैं एक अमेजिंग टेस्ट। तो इस चिवड़े को आप भी इस फेस्टिवल सीजन अपने यहाँ ज़रूर से ट्राई करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।